नमस्कार, स्वागत है आपका एक और वीडियो में चित्रकूट से। जी हाँ, मैं अभी चित्रकूट में हूँ और आज मौसम बहुत अच्छा है, बारिश का मौसम है। और मैं आज आपको चित्रकूट की एक ऐसी जगह ले चलता हूँ जो कि अपने आप में बहुत ही विविधता को समेटे हुए। इस जगह का नाम है देवांगना घाटी। तो इसका नाम जो देवांगना है, इसके बारे में भी कुछ बातें करेंगे और इस जगह का जो लालित्य है, जो सुंदरता है, वो भी आपको दिखाते हैं साथ साथ। तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक और आज घूमिए देवांगना चित्रकूट से। तो अगर आप देवांगना आते हैं तो ये जो सामने आप रोड देख रहे हैं, चित्रकूट का जो रेलवे स्टेशन है और बस स्टैंड है, यहाँ से बसें आती हैं, यहाँ से आप अपनी गाड़ी से भी आ सकते हैं। और ये जो सीधे रोड गया हुआ है, ये आपको जो चित्रकूट है, जो मुख्य धार्मिक स्थल है, और सबसे पहले हनुमान धारा आपको ले जाएगा। और ये एक रोड गई है देवांगना घाटी की तरफ। माना जाता है कि जो भगवान राम थे वो इसी रास्ते से चित्रकूट से आगे गए थे। वगैरह गिरते रहते हैं ऐसे बरसात के मौसम में, लेकिन इसमें कोई खतरे जैसा नहीं है क्योंकि पूरा जो पत्थर है, जो पहाड़ है, उसमें मिट्टी की मात्रा कम और ऐसे पत्थर ज़्यादा हैं। सामने जो रास्ता दिख रही है आपको, ये लाइट के खंभे, रोड, हमको वहाँ जाना। चित्रकूट के पर्वत, वन और झरने तपस्या के लिए एक ऐसा आदर्श स्थल बनाते हैं जिससे यह जगह योगियों, ऋषियों और श्रद्धालुओं को बरबस ही आकर्षित करती रही है। चित्रकूट में आने वाला सैलानी यहाँ के नैनाभिराम दृश्यों को देखकर आनंदित होता है। तीर्थ पंपासुर देवांगना, अब ये स्पष्ट नहीं है इसमें पंपासुर यही है या अलग। चलिए देखते हैं नीचे कोई मिलता है तो एक साधु महाराज हमको दिखे हैं, चलिए उनके पास चलते हैं। चित्रकूट में ऐसी जगहों को मिलना बड़ी आम बात है। पूरा जो यहाँ का इकोसिस्टम है, पारिस्थितिकी है, वो ऐसी ही, मतलब एक जगह में आपको इतना ज़्यादा अलग अलग तरह का इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा, जहाँ पे पहाड़ भी हैं, झरने भी हैं, नदियाँ भी हैं, कहीं कहीं पेड़ हैं, कहीं कहीं पत्थर ही पत्थर हैं। ये अगर आप कहीं देख सकते हैं तो चित्रकूट में ही। जानना चाह रहे थे, जब यहाँ आए वनवास की ओर, तब यहाँ पर रामचंद्र जी ने कोटमुनि को दर्शन दिए और गंगा जी, गुप्त गंगा निकाले, इससे दर्शनार्थियों को लाभ मिलता है। अखंड धुन आए, हाँ, निरंतर अखंड धुन। इसमें आग 50 साल से लगातार जल रहा है। अखंड धुन आए, कभी सुस्ता नहीं है। ये माता जी का है, ये माता जी अन्नपूर्णा माता है, सबको वरदान देने वाली माता है अन्नपूर्णा माता। तो गुप्तेश्वर महादेव, गुप्तेश्वर महादेव बोलते हैं इनको। गंगा बहती रहती है तो इनका नाम गुप्तेश्वर पड़ गया। रामचंद्र जी निकाले थे वो गुप्त गंगा यहीं से। समाधियाँ हैं, आप यहाँ देख सकते हैं समाधि बनी है वहाँ पर। ये बारादरी बोलते हैं, तो संत कहते हैं बारादरी। बारादरी है, बारादरी मतलब ऐसा जगह, स्थान जहाँ पे बैठ के सत्संग वगैरह करते थे पुराने संत महात्मा। देखिए पुरानी चट्टाने हैं, जो पेड़ है इन चट्टानों के बीच में अपनी जड़ें घुसा चुका है।
तो इस घाटी का नाम देवांगना, देवांगना जो है पर्यायवाची है स्त्री शब्द का। तो अच्छा, इसका नाम देवांगना क्यों पड़ा? तो वो इसलिए क्योंकि जब श्री राम यहाँ पे आए थे वनवास काल के दौरान, उस समय कई देव कन्याएं उनके दर्शन के लिए यहाँ पर आई थी। और ये भी माना जाता है जयंत जो था, वही जयंत जिसने माँ सीता के पैरों में अपनी चोंच मारी थी, जिनके नाम पे एक स्फटिक शिला जो जगह है जहाँ हमने दिखाया था, एक वीडियो भी हमने डाला था, तो उस जयंत की पत्नी जो थी उसने भी इस जगह पे तपस्या की थी, ऐसी भी कथा सुनने को मिलती है। तो देव कन्याएं यहाँ आकर तपस्या करती थी, उन्होंने की थी, इस वजह से इस जगह का नाम देवांगना पड़ गया। तो ये दो समाधियाँ बनी हैं, दो कोई साधु महाराज थे उनकी। डर इस बात का है क्योंकि आसपास यहाँ पे सांप वगैरह ना हमको मिल जाए, नहीं तो हम भाग भी ना पाएं, क्योंकि यहाँ चारों तरफ जो है जंगल ही जंगल है। ये सीढ़ियाँ भी नीचे जाती हैं, काफ़ी मिस्टीरियस जगह है। जब हम लोग आए थे बाहर से यहाँ पे कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं दिख रही थी, बट अब भाई थोड़ी थोड़ी दूरी पर ही हमें सीढ़ियाँ नीचे को जाती हुई दिख जा रही हैं कि हमें देवांगना का बोर्ड मिला है। सबसे ऊपर कोटितीर्थ, बीच में पंपापुर, अब हम देवांगना आ पाए हैं, जिस स्थान को देवांगना कहा जाता है। तो देखिए बीहड़ जंगल है एकदम, एक रास्ता आगे भी जाता है, पीछे से नीचे सीढ़ियाँ जाती हैं और हमें एक छोटा सा मंदिर दिखा है। तो पहले हम नीचे चलते हैं, आइए। यहाँ भी देखिए पानी आ रहा है, रिस रिस के कुंड बना रखा है, उसे दूध निकल रहा है, एकदम डार्क ग्रीन है कलर में, देखिए तोड़ने पे कितना खतरनाक दूध जैसा निकल रहा है, देखिए। अब इसको क्या कहते हैं हमें भी नहीं पता, आप कोई इसका नाम जानते हो तो बताइएगा। हाथ में लग गया है मेरे, चिपक रहा है जैसे कोई गोंद हो, फेविकोल जैसा। और यहाँ पे तो बहुत ही खतरनाक शांति है, मतलब सन्नाटा एकदम, जो कि अच्छा लग रहा है, बुरा नहीं, बहुत ही शांति है। तो महाराज जी ना, राम राम। अच्छा अच्छा जंगल के बीच में ऐसे मकान मिल रहे हैं हमको, ऐसे मंदिर मिल रहे हैं। उधर से ये नहीं दिख रहा था अभी, क्योंकि अभी काफ़ी पेड़ हैं। ये ऊपर एक गुफा है और अभी एक साधु महाराज हैं, उन्होंने बताया कि जो यहाँ पे एक जानकी कुंड चिकित्सालय है सद्गुरु सेवा संघ ट्रस्ट, उसके जो संस्थापक हैं रणछोड़ दास जी महाराज, वो बता रहे हैं कि उन्होंने इसी जगह पे रह के जो है तपस्या वगैरह की थी। ये तो गुफा है, अंदर जाती जा रही है शायद। ये देखिए वो रोड है जहाँ से हमने वीडियो शुरू की थी, अब हम एकदम इसके ठीक विपरीत दिशा में ऊपर आ चुके हैं। विचित्रताओं और विविधताओं वाले इस क्षेत्र में कहीं कल कल करती मंदाकिनी का सुंदर जल है, तो कहीं बिंध पर्वत श्रृंखलाओं का उन्मुक्त यौवन बिखेरती पहाड़ियां हैं। ये देखिए सीढ़ियां और नीचे जाती हैं, फिलहाल ऐसा लग रहा है काई वाई लगी, कोई जाता नहीं है तो हम भी नहीं जाएंगे। आइए बात करते हैं बाबा जी से। 457 वर्ष उम्र जो है तो रणछोड़ दास जी यानी जिंदा रहे, उस किताब में लिखा, उनके बैठा हुए हनुमान जी हैं, उन्होंने यहाँ तपस्या किया है। बस चलो आइए बाहर बैठ के बात करें। हाँ, ये गुफा है, गुफा है पानी की। अच्छा अच्छा, यहाँ पे कुंड 12 महीना यहाँ से झरना है। तो महाराज जी जब हम घुसे थे यहाँ, हाँ, गेट पे हमें वहाँ रोड पे दिखा था कोटितीर्थ। हाँ, कोटितीर्थ वो पहले स्थान, तो उसकी क्या कहानी कथा है महाराज जी? कोट मुनि वहाँ पर तपस्या कर रहे थे, जब भगवान राम आए हैं तो कोट मुनि वहाँ तपस्या कर रहे थे, तो उन्होंने पूछा भगवान ने श्री रामचंद्र जी ने कि महाराज यहाँ आप जल कहाँ से लाते हो? तो वो कहा कि मैं देवलोक से पानी लेके आता हूँ। कोटमुनि ने कहा जी, बांसी कोट के नीचे तपस्या कर रहे थे,
तब इसके बाद भगवान ने बाण मारा है, वो पानी जो निकल रहा है कि भगवान का बाण का मारा हुआ पानी, तब से लगातार तब से पानी वहाँ, ये हमारे यहाँ भी वहीं से पाइपलाइन आई। सिद्धों का स्थान है ये, यहाँ पर बाल ब्रह्मचारी संत ही रुक पाता है, बाकी नहीं रुक पाते। ये प्रेमदास जी जो हैं 15 साल की उम्र से आए हैं, ये प्रेमदास जी की गुफा है महाराज जी की, ये रणछोड़दास की प्राचीन गुफा है। अच्छा, इसके बाद प्रेमदास जी आए हैं, तो प्रेमदास जी जब आए हैं जी, तो यहाँ कोई निर्माण नहीं था, ये चूल्हा यहाँ बने थे, यही बनाता था, यही खाता था, चूल्हे हैं यही प्रेमदास जी के। अच्छा, यही बनाता खाता था, यही रहता था। और ये पहाड़ी गुफा के नाम से ये रणछोड़दास जी की बनाई हुई है, प्राचीन गुफा है जी। ये जो है ये गुफा है, ये गुफा और अंदर तक जाती अंदर है। हाँ, गुफा जी। प्रेमदास जी 15 साल की उम्र से आए हैं, हम निकल जा रहे हैं महाराज जी पहले। एक साल तक इन्होंने तपस्या किया, एक साल के बाद इनको हनुमान जी के दर्शन हो गए। जब हनुमान जी के दर्शन हो गए तब फिर इन्होंने आदमियों का काम करना शुरू कर दिया। ये जो पूरा जैसे देवांगना कहते हैं, देवांगना आगे है। हाँ, अच्छा अभी और आगे है। हाँ, देवांगना में जब भगवान राम आए हैं, देव कन्याएं देवांगना में रुकी थी, तो देव कन्याएं वहाँ रुकी थी कि भगवान 12 वर्ष यहाँ रहे, तो जब यहाँ आए हैं भरत जी, तब फिर देवताओं के साथ जो स्त्रियाँ देवताओं की आई थी, तो देव कन्याएं वहाँ रुकी थी देवांगना में, उसका नाम देवांगना पड़ गया। तो 12 वर्ष यहाँ भगवान है, फिर इसके बाद वहाँ से भगवान जो है चले हैं, तो सती अनुसुईया अत्रि मुनि से भेंट किया, और अत्रि मुनि से भेंट करके फिर गए सर्वभंग आश्रम, गए हैं वहाँ सर्वभंग आश्रम, तो सर्वभंग मुनि वहाँ पर सुने थे, तो उन्होंने सर्वभंग मुनि ने कहा कि जात रहो विरंच के श्रवण सुनो बने हैं रामा, चितवत पंथ रहो दिन राती, अब लो देख जुड़ानी छाती। अब आगे भगवान चले तो वहाँ हड्डियों के ढेर लगे थे सर्वभंग आश्रम में, राक्षस खा खा के साधुओं के ढेर लगा दिए। भगवान ने पूछा कि ये क्या है, ये किसकी हड्डियाँ, तो उन्होंने कहा महाराज तुम सब जानते हो, हमसे पूछत हो, तो फिर भुज उठाए प्रणकीन निश्चरहीन करो मन, सर्वभंग आश्रम में किया सर्वभंग आश्रम। फिर आगे गए सुतीक्षण आश्रम, सुतीक्षण सर्वभंगा के आगे सुतीक्षण है, तो सुतीक्षण उनसे मिले हैं भगवान राम। अब फिर इसके आगे छह बज चुके हैं, अंधेरा हो जाएगा वापस आते समय, इसलिए अभी तो वापस लौट जाना ही उचित। तो इस जगह का इस्तेमाल जो साधु लोग थे, साधु तपस्वी लोग थे, वो अपने ध्यान और तपस्या के लिए क्यों करते थे आपको देखकर ही समझ में आ रहा होगा। अभी भी यहाँ पे कुछ ऋषि हैं जो कि पूरी दुनिया से कटे हुए हैं, किसी से कोई मतलब नहीं है उनको, और यहाँ रह रहे हैं। एक महाराज जी मिले जो पिछले 40 सालों से नीचे गए ही नहीं, इसी पहाड़ी पे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, जिनको एक एकांत जगह चाहिए होती है स्वाध्याय के लिए, जो स्वाध्यायी लोग हैं, तो ये एक आदर्श जगह कही जा सकती है ऐसे लोगों के लिए। आज हम वापस चलेंगे, आगे का जो स्थान है किसी और दिन घूमें। मनुष्य जब तक चित्रकूट के शिखरों का अवलोकन करता रहता है, तब तक वह कल्याण मार्ग पर चलता रहता है और उसका मन मोह अविवेक में नहीं फंसता। यह वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।